हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर क्यों आई हूँ बताती हूँ, गेट के, क्योंकि सुबह भी हो गई है और ये देखिए इतने सारे फूल लगे हुए हैं, उसको तोड़ना है। सारे झड़ जाएंगे अभी तुरंत। दिखाती हूँ, स्कूल को चलना बहुत गई थी अकाल में। जो मैंने अपराजिता का फूल लिया था उस फूल को लेके आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मैं डेली इसको डेकोर करती हूँ बुद्धा भगवान जी को, सॉरी। तो ये जो मतलब ताज़ा फूल रहता है उसको ऐसे ऊपर रख देती हूँ और ये जो फूल रहता है इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा, छोटी अच्छा लगता है, बहुत काम है आज घर में, तो इसको पहले इनको सजा देंगे बुद्धा जी को, उसके बाद मतलब ये फूल रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, और फिर सजा दो तो थोड़ा और अच्छा लगता है, घर में कुछ सजावट हो जाती है तो इसलिए मैंने इनको सजा दिया। और डेली अलग अलग प्रकार से मतलब सजाती हूँ तो अच्छा लगता है बहुत मुझे, मतलब बुद्धा जी मेरे फेवरेट हैं और मैं हमेशा इनको मतलब वो करती हूँ, मतलब एक ना बुद्धा जी को देख के ना एक शांति मिलती है। और मैंने इनको बाहर ही रखा है, मतलब बैठक में रखा है, लिविंग रूम में। तो मुझसे जैसे हो रहा था मैं सजा देती हूँ, जैसे कभी गोला बना देती हूँ, कभी किसी तरीके से कुछ ना कुछ बना देती हूँ तो अच्छा लगता है। इनके ऊपर नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि ये गिरे हुए फूल रहते हैं और रात में ही मतलब ये खुशबू बहुत अच्छा देता है, तो इसीलिए इसको जो है यहाँ पर लगा देती हूँ। रूम भी एकदम फ्रेगनेंस की तरह एकदम खुशबू देने लगता है तो इसीलिए यहाँ पर रख देते हैं। और जो देख मतलब कोई आ जाए, कोई बार बार मतलब उधर से आते जाते हैं तो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे कौन सा तोड़ना है, कौन सा तोड़ना है, कौन सा है? हाँ ये वाला ना, एक मिनट,
अरे दादा, टिक 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 फंस गया। देखो मैं अमरूद का कप का 5 मिनट और इसमें पानी डालोगी ना तो ये जलेगा बहुत दिन तक, जब तक पानी रहेगा। नहीं डालते रहो, जलाते रहो। हाँ तो जब तक पानी रहेगा ना। कप अभी इतना ही बना है, तो गुड्डू गुड्डू बन रहा है। अच्छा भैया सिंगल दे रहा है। कितने बच्चा पियोगी जी? और ये मम्मी लेके आई थी चाइनीज दिया, तो ये वाटर डालने से जलता है, पानी डालने से जलता है, तो मैं इसे ले जाके मम्मी को दिखा रही थी और मजे ले रही थी दिया का, कि मतलब देखिए चाइना वालों लोगों ने कितनी सारी चीज़ें बना ली हैं, चीज़ों को आसान भी कर दिया है। लेकिन ये जो दिया तेल की दिया में बात मतलब बात है ना, जो उससे अच्छा लगता है ना देखने में, वो इस दिए में रोशनी नहीं थी, इस दिए को रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये मम्मी बोल रही थी कि क्या कहते हैं इसको जल्दी जल्दी तेल लगा दो, तेल डाल दो, बाती डाल दो और इसको जला दो सारे। 21 दिया था, तो कल छोटी दिवाली थी, तो मैं आज मतलब आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली के दिन मतलब दिया जलता है, धनतेरस से दिया जलता है हम लोग के यहाँ, धनतेरस से भी जलेगा और फिर बतिया डाला और आगे तक दिवाली के 15 दिन बाद तक जलता है दिया। तो उसी दिया मैं लगा रही थी और एक हाथ से मोबाइल ले रखा था एक हाथ से, और नहीं हो रहा था, फिर जैसे तैसे किया, इसको सूट किया, फिर उसके बाद इसको लगाएंगे चारों तरफ, पूरा लगा देंगे और ये मैं दिया जला लूँगी। यहाँ पे मम्मी अपना पूजा की तैयारी कर रही हैं, सब फल जो लाई हैं सारा सामान उसी को सरिया रही थी, क्योंकि कल पूरा पूजा पाठ होना है, तो अच्छे से पूरा उसके लिए सारा सामान रख रही थी, सब उठा के रख रही थी, सामान वामान व्यवस्था कर रही थी अपना, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है इधर उधर, उनको सारी चीज़ें व्यवस्थित चाहिए, सामान अगर नहीं मिलता है तो बहुत चिल्लाती हैं फिर, तो इसलिए मुझे कह रही थी जल्दी जल्दी दिया जला दो, क्योंकि रात भी हो गई थी, रात नहीं हो गई थी मतलब शाम ही हो गई थी, अगर गर्मी रहती तो थोड़ा दिन रहता, लेकिन ठंडी है इसलिए तो थोड़ा रात रख रहा था, तो इसीलिए मैं दिया जला रही थी। मम्मी कह रही थी लेके बाहर जाके जलाओ, लेकिन मैं यहीं पर जला दी थी, फिर मैंने कहा बुझाना ठीक नहीं है, फिर मैं जल्दी जल्दी इसको उठा के उसमें थाली में करके लेके गई बाहर, और घर इतना चमकाता है ना दिवाली के दिन, दिवाली जब आती है ना तो एकदम लगता है रोशनी 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 चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लगता था कल दीपक, और कल तो बड़ी दिवाली है, बड़ी दिवाली के दिन तो और अच्छा लगेगा देखने में, ये सब बहुत खुशी मिलती है ना, दिया देखो रोशनी देखो कितना अंधेरे में उजाला अगर देखते हैं तो एक नई उम्मीद जगती है, और जब दिखता है ना, जब आपको लगता है ना, एक आंखों में चमक आती है, एक नई खुशियाँ मिलती है, नई तुम्हें तो बोलो जला ले जला ले, सोचने लगे तो नई माइंड में डेवलपमेंट होता है, मेरे माइंड भी इसी तरह है, मैं जब ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ ना तो एकदम से अचानक से सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सब लाइफ ही चेंज हो जाता है। और मैं यहाँ दिया रख रही थी और सोच रही थी अपने ससुराल के बारे में कि वहाँ पर सब लोग मना रहे होंगे और मैं यहाँ पर हूँ, तो ये सब याद आ रहा था, सब पिछली दिवाली में याद कर रही थी जब हस्बैंड के साथ थी, पूजा किया था, आरती किया था, सब वही सब याद आ रहा था। तो अगर आपका कोई भी इंसान प्रियजन जो आपके साथ में मतलब किसी टाइम पे नहीं रहते, साथ में नहीं होते हैं, मतलब अभी तो वहाँ पे हैं, तो मैंने मम्मी ने कहा था कि बुला लो, तो मैंने बुलाया था, फिर भी उनके पास टाइम मतलब घर में काम है और फिर उनके पास दिवाली के दिन कहीं जाना दिवाली के दिन के बाद, तो इसीलिए नहीं आ पाए हैं। तो याद आती है यार, सबकी याद आती है और अच्छा लगता है फैमिली के साथ त्यौहार मनाना, अच्छा लगता है, खुशियाँ खुशियाँ है ना, खुशियाँ लाइफ में जब आती हैं ना तो एक अजीब सी खुशी होती है, अजीब सी स्माइल होती है, जो
पूरे आपके शरीर से लेके माइंड से लेके पूरी तन मन को खुशी दे देता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था, मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश थी ना कि लेकिन याद आ रही थी सबकी, तो मैंने फ़ोन से बात किया था और बहुत अच्छा लगता है। और एंजॉय कीजिए हमारी छोटी दिवाली, कल फिर मिलते हैं नए दिवाली के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए।